असदुद्दीन जी पता नहीं किस प्रकार से उन्हें बैरिस्टर पढ़कर बैरिस्टर बन गए। उनको शायद पता लगना चाहिए जब एक फतवा निकलता है, क्योंकि ये पर्सनल लॉ बोलकर घूमते रहते ना बोलते हुए, जब पर्सनल लॉ के अंदर एक फतवा निकलता है तो क्या मतलब है उसका, दैट इट इज अ लॉ फॉर देम इन दैट रिलीजन, जिसमें जो फतवा निकलता है उसके हिसाब से वो लोगों को उसी दायरे के अंदर रहना है या उसको मानना चाहिए। जब फतवा निकला है कि आप बीफ नहीं खाना चाहिए, तो इन फतवे के अगेंस्ट कैसे जाल रहे हैं, तो इसका मतलब है इनको अपने खुद का मजहब का भी लिहाज नहीं है। तो उनको जब मर्जी में आया उन्हें एक बोल लेते, जब दूसरे मर्जी में आया दूसरे बोल लेते, जब उन्हें सड़न मुसलमान बन जाना चाहिए मुसलमान बन जाते, जब बनना नहीं है उनको नहीं बनते। भाई इसके अलावा मैं आप एक सवाल करती हूँ आपसे, क्या एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो बीफ खाओ फिर बीफ काटो बीफ खाओ ये बोलते हुए वोट मांगने जा रहे हैं आप असेंबली इलेक्शंस पे भी, उन्हें ऐसे एक मुद्दा खड़ा करें, शायद आपको याद नहीं है तभी भी उन्हें यही बताया, अगर आप AMIM को वोट नहीं दोगे तो ये लोग आपको बीफ खाने नहीं देते। ये मुसलमान की जिंदगी को इतना छोटा क्यों बना के दिखा रहे उन्हें? हम तो किसी को बोल के नहीं फिरते ना, तुम तरकारी खाओ, ये हमारे को फूट डाले तो तरकारी खाने देते, नहीं तो तरकारी खाने नहीं देते या चावल खाने नहीं देते। अरे यार किसी की जिंदगी पढ़े लिखे होना एक ऐसे होदे पे आना कि शान बने खुद के लिए परिवार के लिए देश के लिए पैरों पे खड़े रहने की बात कहना चाहिए, जहाँ पे आप पढ़े लिखे हो जाओ। हाँ आप डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो तो मेरे जैसा लॉयर बनो, ऐसा तो कुछ बोलना चाहिए ना। बीफ कॉक का क्या मतलब है, बीफ काटो का क्या मतलब है, वोट मांगने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला उनको बोलने के लिए, साफ करवाने का बात करना, कचड़े निकलवाने की बात करना, अरे मैं ड्रेनेज कर सही करवाता हूँ, आप लोगों को पक्के घर दे दूँ, मदरसों में मैं पढ़ाई दे दूंगा आपको, वक्फ बोर्ड से जो प्रॉपर्टीज चले गए उसको वापस लेके आऊंगा मैं, अरे जो हो गया सो गलती हो गया हम लोगों से, ये बात नहीं करेंगे आप। एक मुसलमान की जिंदगी इतनी छोटी बना दे रहे बीफ के लिए, ताजुब की बात है मेरे लिए तो ये।